एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं विदेश यात्रा के बारे में। जब हमने चर्चा की तो उसमें बताया कि अगर आपको कुंडली में विदेश यात्रा के समय कोई बाधा आए, ऐसे योग बन रहे हो, तो हमें क्या करना चाहिए। इस समस्या के लिए आप अपना श्रद्धा से शनिवार के दिन अपने हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहना चाहिए। एक हनुमान चालीसा या सुंदरकांड अपने साथ रखिए जब भी यात्रा करें, तथा हनुमान जी का जो पंचोपचार पूजन करें, गंध पुष्प धूप दीप नवेद अर्पण करें, लाल कंबल के आसन में बैठकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो हनुमान मंदिर बैठकर करें, तब तक नित्य करें जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती है। अर्थात ये इसलिए है कि कभी कभी विदेश यात्रा में आप पे जो भी प्रॉब्लम आए तो उसको ऐसा श्रद्धा पूर्वक आप प्रार्थना करेंगे तो आपको विदेश गमन के समय बाधा नहीं आएगी। दूसरा प्रयोग ऐसा कर सकते हैं कि आप गणेश जी की भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। गणेश जी का आप पंचोपचार पूजन करें, फिर मुंगे की माला से 5 माला नेम मंत्र का जाप करें, ओम गण गणपते नमः। ये बहुत ही सरल उपाय है आप गणेश जी की पूजा पाठ कर सकते हैं। ये नित्य करें तो आपको जो विदेश गमन में जो बाधा है उसके लिए निवारण के लिए सरल उपाय है। साथ में जैसा ये वासुदेव यंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगी। एक ताम पत्र पर वासुदेव यंत्र का निर्माण करें, ओम वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आपको जाप करना पड़ेगा। इस तरह से आप यह यंत्र भी अपने पास रख सकते हैं। तो ये सरल उपाय है जो करके आप विदेश गमन में जो बाधा है उसका निवारण हो सकता है। साथ साथ में आप ये भी देखिए कि जो ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक नहीं है और शनि राहु केतु भी अच्छे प्रभाव में नहीं है, तो आप उन ग्रहों के उपाय उनकी वस्तुओं के दान करके तथा मंत्रों के जाप करके आप कर सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हंसीलाल चौरे, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल को भी आप प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको प्राप्त हो, मैसेज आएगा उसका। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी जानकारी दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।